हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबे इनू के ऊपर और हम बात करेंगे डोज कॉइन के ऊपर। भाई अप्रैल 2023 के एंड तक जो डोज कॉइन की प्राइस है वो कहां तक जा सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इट मीन कि हम जो ओवरऑल जो बातें हैं वो डोज कॉइन और शिबा इनू के ऊपर ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी डोज और शिबा इनू की वीडियो की तरफ मूव करूं, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि डोज कॉइन हो, शिबा इनू हो, किशू इनू हो, लवली इनू हो, फ्लोकी इनू हो, कोई भी क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी कॉइन हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी कंटेंट हो, तो उससे पहले जो सबसे पहले जो न्यूज़ होती है, अपडेट होती है, वो आपके साथ पहुंचे। और यहाँ पे आजकल मैंने एक नया सेशन स्टार्ट कर दिया एयरड्रॉप्स के बारे का, उसकी भी वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। वहीं पर हमने देखा जो क्रिप्टो बॉक्स के जो बाइनेंस के जो नए नए बॉक्स आते रहते हैं, उसके जो नए नए कोड्स आते रहते हैं, उसके लिए भी जैसे मुझे कोई कोड मिलता है तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए वो बना के अपलोड कर देता हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखा करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में बेल के आइकन को भी दबा लिया होगा। तो भाई यहाँ पर विदाउट बीइंग वेस्टिंग टाइम मूव करेंगे अपने टॉपिक की अपनी वीडियो तरफ। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप जो भी करें इन्वेस्ट करें, जो भी करें अपनी मर्जी से करें, मेरा काम सिर्फ जो है वो न्यूज़ें वगैरह शेयर करना है और आप अपनी रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट किया करें। तो भाई BTC पे 24 घंटों में 0.1% डाउन गया है, $28,343 पे चल रहा है, और ETH 1817 पे चल रहा है, 0.2% जो है डाउन गया है, BNB 0.1% डाउन गया है, 314.39 पे चल रहा है, XRP 0.52 पे चल रहा है, कार्डन 0.38 पे चल रहा है। तो ये ओवरऑल मार्केट ख्याल आते हैं। इसके साथ अगर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो भाई हमारा जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 63 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिला है। जो लास्ट वीक की अगर बात करें तो 64 स्कोर के साथ था, कल भी 61 स्कोर के साथ था, और लास्ट मंथ 50 स्कोर के साथ हमें एक न्यूट्रल पोजीशन में हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखने को मिला था। तो भाई ये ओवरऑल मार्केट क्या रहते हैं, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या रहते हैं। अब इन हालात के साथ, इन कंडीशन के साथ अगर हम बात करें अपने जो दूसरे पॉइंट से उसको लेके बात करें, तो भाई जो डोज कॉइन है वो तकरीबन 5% के 24 घंटों में बढ़ चुका है, 0.08026 की करंट प्राइस के साथ चल रहा है, 8वें नंबर पे रैंक कर रहा है। शिबा इनू की बात करें तो 0.9% बढ़ा है तकरीबन पॉइंट के बाद, 4 जीरोज़ के बाद 1103 की करंट प्राइस चल रही है। तो ये ओवरऑल जो हमारे मार्केट के बेबी डोज कॉइन और शिबा इनू के हालात है। अब बात करें भाई क्या क्या न्यूज़ है मुझे देखने को मिली डोज कॉइन की, अगर मैं प्राइस शेयर करूँ तो भाई डोज कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन अप्रैल 2023, जी बिल्कुल 2023 में जो डोज कॉइन की प्राइस है वो कहाँ तक जा सकती है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो भाई द मिनिमम प्राइस ऑफ डोज टू बी 0.091 तक, जी बिल्कुल 0.091 तक इसकी जो मिनिमम प्राइस है वो डोज कॉइन की जो जा सकती है जो अप्रैल के एंड तक, क्योंकि अभी भी ये 0.8 पे चल रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 0.09 जो इसकी होगी अमाउंट प्राइस होगी वो उसके साथ अगर हम देखें मैक्सिमम जो है वो 95 तक इसकी जो 0.095 तक इसकी जो प्राइस है वो जा सकती है अप्रैल के एंड में, और जो एवरेज जो ट्रेडिंग इसकी होगी वो 0.08 तक जो है वो एक बीच का रास्ता भी पकड़ सकता है। तो भाई ये तो ओवरऑल जो है बेबी डोज कॉइन की जो प्राइस थी जो हमने जो प्रेडिक्ट की गई थी जो वाचर ग्रुप पे पब्लिश की गई थी वो जस्ट मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात करूँ शिबा इनू को लेकर, तो भाई शिबा इनू की एक और गुड न्यूज़ है, क्योंकि बिटपे की जो है ज़ेनी ट्रेवल के साथ जो पार्टनरशिप हुई है, क्योंकि ज़ेनी जो है ब्लॉकचेन टू बेस B2B ट्रेडिंग सेलिंग प्लेटफॉर्म में जो इंटीग्रेट करने जा रहा है बिटपे को, तो क्योंकि आप जानते हैं बिटपे जो है शिबा इनू को एक्सेप्ट करता है, इट मीन कि आप अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे भी जाएं घूमने वगैरह, तो भाई आप बिटपे की मदद से जो है शिबा इनू को पेमेंट करके आप अपनी फ्लाइट्स हो, होटल्स हो, कार रेंटल्स हो, जो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, तो वो सारी की सारी जो है चीज़ें वो आप शिबा इनू की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने देखा, हमें शिबा इनू के रिलेटेड देखने को मिला। वहीं पर दूसरी तरफ हमने देखा है कि भाई शिबा इनू का जो तकरीबन 70% जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो बढ़ चुके हैं, शिबा रैम के जो तकरीबन टेस्ट नेट के तकरीबन मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि शिबा की जो प्राइस थी उसमें हमें इतनी बड़ी चेंज वगैरह नहीं देखने को मिली है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी, छोटी मोटी सी चीज़ें थी, कुछ शिबा इनू के रिलेटेड, कुछ डोज कॉइन के रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।